नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के सतना जिले को आज 150 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ की लागत से चित्रकूट घाट पर आध्यात्म का अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले में 139 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत मंदाकिनी के घाटों के जीर्णोद्वार और उन्नयन कार्य के लिए है। इस दौरान सीएम यादव ने लोगों का संबोधन किया। यहां सीएम ने जय श्री राम के नारे लगवाकर अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि श्रीनगर में कार्यक्रम के चलते चलते पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, जो श्रीनगर नाम का था, जहां श्री का तेज मध्यम पड़ गया था, उस श्रीनगर के नाम को 370 हटाकर सार्थक किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और ये भी श्रीनगर है, चित्रकूट यहाँ प्रभु राम के रूप में आए थे, जिन्हें प्रभु राम के नाम से काम सफल हो जाता है, उन संबंध चित्रकूट से है, तो श्री तो इनके नाम में लगना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम भगवान के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश की धरती भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, उस प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे। जिसको जो सोचना है सोचो, जो कहना है कहे, लेकिन भगवान राम और कृष्ण को हम संस्कृति से हटा दें, ऐसा हो नहीं सकता है क्या? आज तो मोदी जी का जमाना है, अयोध्या से लेकर अरब तक मंदिर बना है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले शंकराचार्य को अरब की धरती पर उस वेशभूषा उतरने नहीं दिया था। सबने कहा था कि इन हिंदू प्रतीक चिन्हों को धारण कर आप नहीं चल सकते। वो दौरा कांग्रेस सरकार का था, तब हमारे शंकराचार्य और हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ। फिर वहाँ पीएम मोदी गए, उन्होंने अपने हिसाब से शासन को चलाते हुए पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। फिर पीएम नरेंद्र मोदी से अरब के शेख ने कहा, जितनी चाहो जमीन लो और मंदिर बनाओ। यह हमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार से माध्यम से मिला। इस दौरान सीएम ने चित्रकूट में अलग एसडीएम कार्यालय बनाने की घोषणा की। अब ये तो वो स्थान है जो हजारों लाखों साल से पहचान है, अभी अभी के कई नए धाम। अब बताओ शिरडी के साईं बाबा के यहाँ पे कितने लोग जाने लग गए, क्योंकि आने जाने के मार्ग अच्छे हो गए। इस व्यवस्था के आधार पर कई देवस्थान नए बन गए अभी अभी के हैं, लेकिन हमारे पुराने धाम क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए, क्यों उनका विकास नहीं होना चाहिए, क्यों चारों तरफ इस तरह की व्यवस्था नहीं बने? हर कोई जीवन में एक सपना रखे, मैं अपना जीवन पूरा करूं, उसके पहले चित्रकूट आऊं, मध्य प्रदेश के देवस्थान आऊं, क्यों इच्छा नहीं होना चाहिए? मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से चित्रकूट सहित पूरे सतना जिले के सभी नागरिकों को और धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों को पूरे प्रदेश के, हमने तय किया माननीय प्रभात जी भाई साहब, हमारे देवस्थान को लेकर के सरकार एक मंत्रिमंडल स्तरीय समिति बना रही है। अभी केवल धर्मस्व मंत्री उसकी चिंता करते हैं, धर्मस्व मंत्री रहेंगे, लेकिन जहां देवस्थान है वो देवस्थान, मान लो मंदिर के बाहर सड़क बनाना, अब वो नगर में है तो नगरी निकाय उसमें आ जाएगा, ग्रामीण है तो ग्रामीण पंचायत वाले आ जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि मंदिर के साथ दोनों विभाग क्यों नहीं जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से वो धर्मस्व की जमीन होगी, राजस्व की जमीन होगी, राजस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं, धर्मस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं, फिर देवस्थान। जैसे उदाहरण के लिए अब ये चित्रकूट धाम में भगवान की पोशाक, भगवान के वागे, भगवान से जुड़े हुए ऐसे कई सारे, अब ये वस्त्र जो बनाई, पूजा पाठ की सामग्री, सभी प्रकार के मेटल की सामग्री मध्य प्रदेश में ही निर्माण कराई जाएगी। नानाजी ने तो ये पहले ही स्थापित कर रखा है, नानाजी के लिए जोरदार ताले बजाओ। नानाजी युग दृष्टा थे, उनके बताए मार्ग के आधार पर जब हमारे देवस्थान अच्छे हो जाएंगे, निश्चित रूप से बदल आ जाएगा। उन्होंने नानाजी ने